आज हम बनाने जा रहे हैं मटन शामी कबाब। आइए देखते हैं इसका बनाने का तरीका। प्रेशर कुकर में 300 ग्राम मटन का खीमा लेंगे और फ्लेम ऑन नहीं करेंगे। इसमें चने की दाल ऐड करेंगे 100 ग्राम। इसे कम से कम 3 से 4 घंटे पहले भिगो कर रखना है। नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच। चार हरी मिर्च, सूखी लाल मिर्च 6 से 8, क्रश किया हुआ धनिया 1 चम्मच, जीरा 1 छोटा चम्मच, मटन मसाला 1 छोटा चम्मच, 2 से 3 चुटकी हल्दी, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, एक छोटे साइज की प्याज रफली चॉप की हुई और आधा कप पानी इसमें ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि आपको पानी उतना ही ऐड करना है जितने में कि आपका खीमा पक जाए। और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसे खीमे के टेंडर होने तक पका लेंगे। ढक्कन खोलने के बाद अगर आपको इसमें पानी ज्यादा लग रहा है तो आप फिर से फ्लेम को ऑन करके एक्स्ट्रा पानी सुखा लीजिए। खीमे का पानी सूख चुका है, अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे। और मिक्सर जार में इसे ट्रांसफर करके इसमें एक अंडा ऐड करके हम इसे फाइन सा पीस लेंगे। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर करके इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच, एक फाइन चॉप की हुई प्याज, 2 बारीक कटी हरी मिर्च और थोड़ा